রেণু। নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম ডুইং দিস কিউএনএ সেশন উইথ ইউ অল, সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো ইয়ে মেরা পহলা ভিডিও হো কিউএনএ ভিডিও হ। And why I'm doing this, because bahut sare questions mere jo friends hain, mere jo followers hain, jo mere students hain, bahut sare logon ne mujhe matlab pucha hai bahut dinon se, but maine sabka answer main abhi tak de nahi payi hu personally. So I'll try my level best ke kuch maine questions ek video mein to sab questions ka answer nahi diya ja sakta hai, possible nahi hai, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस आज सेलेक्ट किए हैं जिनके एक आंसर्स मैं दूंगी आप लोगों को। एंड मैं ट्राई करूंगी कि मुझे जितना पता है, और ज़्यादातर मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो म्यूज़िकल भी हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं और प्रोफेशनल क्वेश्चंस भी हैं। तो मैंने मिक्स किया है अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ क्वेश्चंस, मेरे म्यूज़िकल जर्नी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ अबाउट मतलब म्यूज़िक के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, उनको भी मैंने मिक्सअप किया है। एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव द बेस्ट आंसर्स टू यू। सो आई विल गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर आई एम फ्रॉम। ओके, तो मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ एंड कहाँ से आई हूँ, राइट? तो आई एम फ्रॉम, एक्चुअली आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन आसानसोल। आसानसोल एक बहुत ही प्यारा छोटा सा शहर है, कोलकाता से 4-5 घंटे लगते हैं बाई रोड। एंड आई वॉज बोर्न देयर एंड देन आई वॉज लाइक रेस्ड, मतलब मेरा जो स्कूलिंग है वो पूरा स्कूल लाइफ मेरा आसानसोल में गुजरा है। एंड देन आफ्टर स्कूल आई हैव मूव्ड टू कोलकाता, माई सिटी ऑफ जॉय एंड माई सिटी ऑफ हैप्पीनेस। सो आई हैव मूव टू कोलकाता फॉर माई म्यूजिक सेक ऑब्वियसली, एंड फ्रॉम देन ओनली आई एम स्टेइंग इन कोलकाता। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ माई फर्स्ट गुरु, मतलब मेरे फर्स्ट गुरु जी कौन थे। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, मेरे बाबा। मेरे बाबा मेरे फर्स्ट गुरु जी थे एंड आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। कब मैंने गाना स्टार्ट किया है, कितने साल से, कितनी छोटी थी मैं, आई कान रिमेंबर, बट ऑल आई कैन रिमेंबर इज़ के बचपन से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था सिंगिंग में। एंड मतलब इवनिंग आफ्टर इवनिंग, आवर्स आफ्टर आवर्स मेरे बाबा के साथ मैं बैठ के गाना गाती थी हारमोनियम में। तो बहुत सारे गाने, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई गाना, हिंदी बंगाली सॉन्ग सब कुछ हम गाते रहते थे। एंड दैट्स माई वेरी लविंग मेमोरी ऑफ माई फादर। तो येस, माई फर्स्ट गुरु इज़ माई फादर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो आई रियली मीन इट, बहुत डिफिकल्ट है कि हु इज़ योर फेवरेट सिंगर। सच मानिए, कोई एक फेवरेट सिंगर नहीं है मेरा, बहुत सारे लेजेंड्स को मैं फॉलो करती हूँ। आई रियली एडमायर अ लॉट ऑफ यू नो आवर इंडियन लेजेंड्स, जिनके गाने सुन के मतलब इतना इंस्पिरेशन मिलता है, जिनके गाने सुन के गाना सीखा है लिटरली। तो अगर नाम लेना ही है देन आई विल से लता मंगेशकर जी, आशा जी, गीता दत्त जी, मन्ना दे साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, सोनू निगम सर। सोनू निगम सर के साथ मेरा मतलब एक बहुत स्वीट मेमोरी है। मतलब अभी तक अगर मैं बोलूँ मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट यू नो म्यूज़िकल, मतलब मेरे जर्नी में अगर सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा है तो है मीटिंग सोनू निगम सर। यस, आई हैव मेट हिम, आई हैव टॉक टू हिम। तो उनसे बात हुआ था, उनको गाना सुनाया था मैंने एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब वो जो मोमेंट है मेरे लाइफ में अभी तक का बेस्ट मोमेंट है मीटिंग सोनू निगम सर। सो या, तो द क्वेश्चन वाज के हु इज़ माय फेवरेट सिंगर। आई हैव अ लॉट ऑफ, मतलब मेरा बहुत बड़ा लिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने किया है कि मैम कितने घंटे हमको रियाज़ करना चाहिए डेली। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमको जो डेली जो रियाज़ का एक रूटीन है वो तो मेंटेन करना ही है, स्किप नहीं करना है डेली रूटीन जो रियाज़ का है, बट वो
कितना घंटा हमको करना है, कितने घंटे के लिए हमको रियाज में बैठना है, वो डिपेंड करता है कि कितना आप प्रिपेयर्ड हैं, कितना आपका मतलब एक एक जन का वोकल टेक्सचर अलग होता है, वोकल रेंज अलग होता है। और मैं जब अपने स्टूडेंट्स को रियाज के जो रूटीन है वो देती हूँ, वो इसके ऊपर डिपेंड करके मैं देती हूँ कि आपको आधा घंटा रियाज करना है कि 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा, वो आपका जो गले गले का जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करके मैं वो रूटीन देती हूँ कि आपको कितना टाइम के लिए रियाज करना चाहिए। जैसे मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी 13 साल 14 साल है और उनका जो है वॉइस जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वोकल टेक्सचर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो स्केल में अभी तक गाते थे अभी उस स्केल में गा नहीं पाते हैं और हाई नोट्स कोई नहीं लगा पाता, कोई लो नोट्स नहीं लगा पाता, कोई सुर नहीं लगा पाता, लगता है कि वॉइस क्रैक कर रहा है, तो उनके लिए अलग रियाज होता है, टाइमिंग अलग होता है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो सिंगर है या जो स्टूडेंट है जो गाना सीख रहा है या गाना सीखा हुआ है ऐसे जस्ट रियाज करता है रोज़, तो उसका जो वोकल कंडीशन है वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना टाइम रियाज करना चाहिए। अभी मैं सबके लिए सेम टाइम नहीं बोल सकती, बट मुझे जो लगता है कि हर एक का एक अलग से रूटीन होना चाहिए रियाज का। मेरा जो रियाज का रूटीन है वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका भी सेम रूटीन होगा, राइट? तो सबके लिए रियाज का एक अलग रूटीन होता है, उसको फॉलो करना चाहिए हमको रोज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो ओके, तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि अभी तक का मेरा जो सबसे बेस्ट मोमेंट है वो है सोनू निगम सर के साथ बात करना, मुलाकात और उनके साथ उनको गाना सुनाना, तो दैट वाज माय फेवरेट मोमेंट टिल डेट। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो मेरे बाबा के साथ मेरे बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हैं, जब हम गाना गाते थे मैं उनको गाना सुनाती थी और वो एक गाना बार बार मुझसे सुनते थे, दैट इज़ रैना बीती जाए, तो वो गाना जब सुनाती थी मेरे बाबा मतलब बहुत मतलब एकदम खो जाते थे, तो वो गाना सुनाना बाबा को और बाबा जो खो जाते थे, इतना मतलब इतना कनेक्ट होते थे हम मेरे बाबा के साथ, मैं इतना कनेक्ट होती थी म्यूज़िकली, तो वो मोमेंट्स बहुत मतलब मैं मिस करती हूँ और दे वे माई फेवरेट मोमेंट्स। अभी जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई एक जन ने मुझे नहीं पूछा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, कोई भी न्यू एडमिशन लेता है ये क्वेश्चन तो पूछता ही है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पूछा है, अभी मतलब इवन सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर डिस्कशन करने में ये मुझे भी पूछे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के हैं कि इज़ इट नेसेसरी कि हमको इंडियन क्लासिकल सीखना चाहिए अगर हम गाना सीख रहे हैं। तो इसका मैं बहुत सिंपल मतलब बहुत शॉर्टली मैं आंसर दूंगी ताकि आपको समझ आए। इंडियन क्लासिकल इज़ वेरी रिच, इंडियन क्लासिकल इज़ वेरी वास्ट। आप कुछ ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि इतना ही इंडियन क्लासिकल में है, इतने ही रागाज हैं, इतने ही ठुमरीज हैं, इतनी ही धूप धामाज है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब बहुत रिच है, बहुत कुछ, एक समुंदर है इंडियन क्लासिकल। उसमें से अगर आप थोड़ा सा भी सीख लो, अगर आप बेसिक्स भी थोड़ा सा सीख लो ना, तो वो भी आपको आपका काम आएगा। मतलब आप अगर इंडियन सिंगर हैं और इंडियन गाने गाना चाहते हैं तो आपको इंडियन क्लासिकल के अगर बेसिक्स भी आते हैं मतलब वो भी बहुत है। इंडियन क्लासिकल इज़ लाइक एन ओशियन, उससे अगर आपको थोड़ा सा मतलब कुछ बूंदे भी अगर आपको मिल जाते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो लेसन्स है, उसके जो ट्रिक्स है, आप अगर फ्यूचर में कोई भी गाना गाते हो, इंडियन गाने गाते हो, मतलब इवन वेस्टर्न गाने भी अगर गाते हो, उसमें भी आपको वो जो लेसन्स है, इंडियन क्लासिकल के जो लेसन्स हैं वो काम आते हैं, और आपका जो गला है वो, आपका जो यू नो वोकल ग्रूमिंग हम जो बोलते हैं, वो इंडियन क्लासिकल के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो दैट इज़ माई आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने किया है कि आपका कब नया सॉन्ग आने वाला है, और कोई कवर सॉन्ग है या नया सॉन्ग है। तो बहुत जल्दी ही एक कवर सॉन्ग, ये कवर सॉन्ग नहीं है एक्चुअली, यू कैन से कि एक अनप्लग्ड सॉन्ग है, जो मतलब
फ्यूजन भी आप बोल सकते हो, दो गाने का फ्यूजन है। वो ऑडियो रेडी हो गया है बट वीडियो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। बेसिकली इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, राइट? आपको ऑडियो पहले रेडी करना पड़ता है, फिर वीडियो रेडी करना पड़ता है। अभी मतलब बहुत बिजी शेड्यूल चलता है मेरा, उसमें से मुझे मतलब शूट पे जाना, शूट लोकेशन पे जाके फिर शूट करना, उसके पहले ऑडियो, ऑडियो मेरा रेडी हो जाता है बहुत जल्दी, बट वीडियो रेडी होने में बहुत टाइम लग जाता है बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल एंड ऑल। तो बहुत जल्दी ही मैं एक गाना लेके आ रही हूँ यूट्यूब पे, एंड आफ्टर दैट बहुत प्लानिंग है कि एक नया गाना आप लोगों के लिए मैं रिलीज़ करूँ, उसका भी प्लानिंग चल रहा है। तो बहुत जल्दी मैं उसके बारे में आप लोगों को अपडेट दे दूँगी। आज के लास्ट दो क्वेश्चंस मैं और आंसर दूँगी, दो क्वेश्चंस के। एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देना पॉसिबल नहीं होता, बट आप लोगों को अगर क्यू एन ए वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ऐसे वीडियोज़ मैं और करूँगी और आपके साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँगी और डिस्कशंस करूँगी। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट टू मी कि आपको अगर म्यूज़िक के बारे में कुछ पूछना है, मेरे बारे में कुछ पूछना है, तो राइट टू मी, आई विल डेफिनेटली आंसर। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जाके, मेघना मिश्रा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे भी जाके आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके सबके लिए और मैं वीडियो ऐसे बनाऊँ। तो मैं लास्ट दो क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ये क्वेश्चंस जो हैं ये मतलब रेगुलर लाइफ में भी मुझे बहुत सुनने को मिलता है, पूछते हैं मुझे लोग। एक तो है व्हाट इज़ माय एम्बिशन, व्हाट इज़ माय गोल इन लाइफ, मतलब मेरे अगर मैं बोलूं कि प्रोफेशनली व्हाट इज़ माय गोल एम्बिशन, तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। वैसे करना तो बहुत कुछ है और मैं धीरे धीरे सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करूँगी, बट अभी के लिए मैं बोलूँगी कि टू बिल्ड माई ओन एकेडमी, जो कोरोना के लिए थोड़ा सा मतलब एक प्लानिंग चल रहा था बट कोरोना के लिए वो प्लानिंग फिर पोस्टपोन्ड हो गया, बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड बहुत जल्दी मेरे खुद का एकेडमी होगा जहाँ पे बहुत सारे जॉनर्स मेरे बहुत मेरी एक मतलब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं वही ना सीखे, जो गाना पसंद करते हैं या गाने से प्यार करते हैं, म्यूज़िक से प्यार करते हैं, वो भी गाना सीख पाए, उनको भी चांस मिले, उनको भी मैं अपने एकेडमी में सिखाऊं और बहुत सारे जॉनर्स के हम गाने सीखें, डिस्कशन करें, रिसर्च करें, ऐसा प्लानिंग है। तो बहुत जल्दी उसके ऊपर ही मैं काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी मैं गुड न्यूज़ भी आपको दूँगी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ इससे रिलेटेड है कि ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, कहाँ पे स्टार्ट होगा, कौन से जगह पे स्टार्ट होगा वो भी मैं सबको बताऊँगी बहुत जल्दी, मेरे फेसबुक पेज पे बताऊँगी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से बताऊँगी एंड इंस्टाग्राम में भी बताऊँगी। आप सोशल मीडिया पे आपको वो पता चल जाएगा, जो एडमिशन के लिए मुझे कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं उनको भी मैं बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बता दूंगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ कोविड ऑब्वियसली, तो उसके बाद कहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्लासेस वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही रहा। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो एज आई सेड कि आप मुझे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू।